बनारस में ट्रैवलर्स के लिए बहुत कुछ है। क्या आप जानते हैं कि आप बनारस में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी इंजॉय कर सकते हैं? अगर आप फूडी हैं तो बनारस में आप बाटी चोखा बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। बहुत कुछ है इस सफर में, इस एपिसोड को आप अंत तक देखिए, आप खूब इंजॉय करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। बनारस में आज के दिन की शुरुआत हम दरीबा पान मंडी से कर रहे हैं। अभी हम यहां पर पहुंचे और हमने देखा यहां पर बहुत सारे व्यापारी पान खरीदने आए हुए हैं। सुबह 7 बजे से ये मंडी स्टार्ट होती है और शाम को 6 या 7 बजे तक यहां पर पान का व्यापार खूब चलता है। मुझे लगता नहीं हिंदुस्तान में कोई भी और जगह होगी जहां पर पान की इतनी ट्रेडिंग होती है। यहां पर पान की ऑलमोस्ट हर वैरायटी अवेलेबल रहती है। इस समय हमने चेक किया, मगई पान को छोड़कर बाकी हर वैरायटी अवेलेबल है, क्योंकि मगई का सीजन दिसंबर में स्टार्ट होता है और ये मई तक चलता है। अभी आपको यहाँ पे जगन्नाथी पान, जिसको बिल्कुली भी कहा जाता है, और हरे पान में देसी पान, और जैसे झुक्की पान होते हैं, हरे पान में झुक्की पान होते हैं, और क्या नाम से चंद्रकला पान होते हैं, हल्दिया पान होते हैं, ये सारे पान इस समय आपको मिल जाएगा यहाँ पे। मेरे साथ इस समय केशव पान के ओनर मिस्टर चौरसिया खड़े हैं। इनके हम घर आए हैं इनसे समझने के लिए कि पान को प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो सर एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। पान का यह है कि मंडी से हम लोग हरा पान लाते हैं और हरा पान को फिर हम लोग किस तरीके से सफ़ेद किया जाता है यह प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी। और पान को जो हम लोग अपने यहाँ टोकरी में रख करके जो एयर पैक जो तो एक कमरा जो बनाया जाता है उसमें जो तो पान के टोकरी को सरिया करके रखते हैं। फिर उसके बाद उसमें जो होता है हम लोग लकड़ी के कोयले की भट्टी जो होता देते हैं, जिसके वजह से वह पान गर्म होता है और वह अपने कलर को हरा कलर से जो है वह फिर सफ़ेद होता है। यह प्रक्रिया हम लोगों को 3 या 4 बार करने के बाद वह पान जो है सफ़ेद होता है। कितना समय लगता है सर एक यह जो है पान जो है उसको हमको सफ़ेद करने में 10 दिन का समय लगता है। 10 दिन का समय लगता है? हाँ 10 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि वह उसको 3 बार 4 बार उसको भट्टी में रखते हैं, फिर उसको बाहर निकाल करके टोकरी में उसको ठंडा करते हैं। जब पान हीट हो जाता है, ज़्यादा हीट हो जाएगा तो पान जल जाएगा, इसीलिए उसको यह प्रक्रिया वही जान सकता है जिसको इसका जो नॉलेज हो, या ज़्यादा हीट हो जाने पर पान जो जल जाएगा। हर किस्म के पान को सर किया जाता है? और ऐसा है कि इसमें सांची पान और देसी पान, दो पानों को न करके और बाकी सभी पानों को जो हम लोग सफ़ेद करते हैं। सर आपके पास मैं पान खाने आया था 2 दिन पहले, यकीन मानिए केशव पान पे जो मैंने पान खाया इनकी शॉप में, मेरे जीवन में, मैं सही में आपको बोल रहा हूँ, मेरे जीवन में मैंने इतना स्वादिष्ट पान कभी नहीं खाया, और मैं कभी भी याद करना चाहूँगा ना कि मैंने सबसे बढ़िया खाया। क्या उसका टेस्ट था, मेरा मुँह में डाला और पान घुल गया मतलब। उसके अलावा सवाल यह है ना कि वह पान नहीं, वह मोहब्बत है, वह मोहब्बत को जो तो मुंह में घुला करके उसका कितना आनंद आता है वह तो आप ही समझेंगे। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद, थैंक यू, आपने हमें बुलाया और इसे प्रोसेस दिखाया, थैंक यू। रामनगर किले के पास में ही शास्त्री चौक, और शास्त्री चौक के सामने रामनगर की फेमस लस्सी, लस्सी के ऊपर मलाई और मलाई के ऊपर रबड़ी, ये है यहाँ का बनाने का स्टाइल। तीनों चीजें एक ही बाइट में, वेरी गुड एक्सपीरियंस है और वेरी गुड टेस्ट। सबसे बेस्ट पार्ट है कुल्लड़ में इस तरह से लस्सी का मिलना, एक ही बाइट में लस्सी भी, मलाई भी और रबड़ी भी, वेरी गुड टेस्ट, मजेदार। ये दुकान 70 साल पुरानी दुकान है और ये बहुत बनारस की मशहूर दुकान है। हम लोग काशी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, अक्सर लस्सी पीने आया करते हैं। लस्सी मेरे को इतनी स्वाद लगी कि मैंने अपने लिए एक ग्लास और ले लिया। ये ऊपर जो रबड़ी डाली है ना, ये वाकई बड़ी मज़ेदार है एज ए कॉम्बिनेशन। थोड़ी रबड़ी और डाल सकते हो? हाँ, अब और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये अंदाज बड़ा खूबसूरत है रबड़ी ऊपर डालने वाला।
रामनगर फोर्ट काशी नरेश राजा बलवंत सिंह द्वारा 1750 में बनवाया गया था। यह किला हमेशा से काशी के राजाओं का निवास स्थान रहा है। पूरा फोर्ट पब्लिक व्यूइंग के लिए ओपन नहीं है। अगर आप बनारस आते हैं तो यहां आकर आप किला और म्यूजियम देख सकते हैं। यहां से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का घर है, जो अब मेमोरियल में कन्वर्ट हो चुका है। शास्त्री जी ने अपने जीवन काल में जो जो एक्टिविटीज करी उन सबके यहां पर फोटोग्राफ्स हैं। बहुत खूबसूरत गैलरी है उनकी लाइफ हिस्ट्री को समझने के लिए। ये पिक्चर देखकर मेरे को अपने स्टूडेंट लाइफ की याद आ गई। हम बचपन में पढ़ा करते थे शास्त्री जी का नारा, जय जवान जय किसान। उनकी धर्मपत्नी, उनका स्टैचू। शास्त्री जी की डेथ के बाद उनकी पत्नी यहां आके रहा करती थी। यहां जो आप देख रहे हैं उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जो आज भी यहां पर अवेलेबल हैं। ये वही किचन है जहां पर उनकी धर्मपत्नी खाना बनाया करती थी। और ये जो बर्तन है ये उसी समय का है। उनके ये इस्तेमाल किए हुए बर्तन हैं, जो गिलास हैं, थाली हैं, कटोरी हैं, ये सब उन्हीं के समय की वस्तुएं पड़ी। बहुत खूबसूरत। अंदर जो आप रूम देख रहे हैं ये वही रूम है जहां पर शास्त्री जी ने अपना बचपन गुजारा, पढ़ाई इसी घर से करी और अपने जीवन के लगभग 15 से 20 साल इसी रूम में और इसी घर में गुजारे। इस समय हम फर्स्ट फ्लोर में आए हैं। शादी के बाद शास्त्री जी यहां फर्स्ट फ्लोर में रहा करते थे। ये घर उसी समय का है, सिर्फ समय के साथ इसको मजबूती दी गई है और आज यहां पर मेमोरियल है। इंडिया में अगर वाटर स्पोर्ट्स बोलेंगे तो गोवा से बड़ी जगह कोई नहीं है, लेकिन आपको हैरानगी होगी जानकर कि वाराणसी में भी वाटर स्पोर्ट्स होती हैं। अभी हाल में स्टार्ट हुई है यहाँ पर। अभी हम पहुँच चुके हैं इस समय। सामने आप देख रहे हैं ये रामनगर पुल है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में रामनगर का किला है। इस समय हम किले की बैक साइड में आए हैं वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए। यहाँ चल के बात करते हैं क्या क्या कर सकते हैं। मजा आया चारों वाटर एक्टिविटीज करने में। अगर आप वाराणसी आते हैं तो वाटर स्पोर्ट्स आप एंजॉय कर सकते हैं। इस समय मैं बनारस की बहुत फेमस मिठाई की दुकान में आया हूं। अपने लिए मैंने ट्रेडिशनल मिठाई ले भी ली है। सबसे पहले मैं खाने वाला हूं लौंग लता। आप देखिए ऊपर की गार्निशिंग और इसको लौंग, इसके लिए इसका नाम लौंग लता है।
ऊपर लौंग और नीचे लता। ये देखिए आप, अंदर मावे की स्टफिंग है और बाहर ये मैदा, चाशनी में डिप, बहुत ही रिच मिठाई है, मजेदार। इस मिठाई का नाम है लाल पेड़ा। अब आप खूबसूरती देखो, खोए को कितना भुना गया है, किसका रंग ही बदल गया, और देख के लग रहा कितनी रिच मिठाई है ये। ओ सुपर रिच। और लौंग लता खाने के बाद ये एक्सट्रीम टेस्ट है, गुड, वेरी गुड। मेवा तिरंगी काजू पिस्ता और बादाम के साथ। तीनों अलग अलग टेस्ट, मजेदार मिठाई। और बनारस में तीनों तो बहुत चलती रहती है, इसके अलावा और बड़ी सारी मिठाइयां चलते हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं शेल्फ में। बड़ी ट्रेडिशनल मिठाई मिलती है यहाँ पर, और मैं देख रहा हूँ काफी लोग, भीड़ लगी हुई है, सुबह सुबह मिठाई खा रहे हैं, अभी लेके जा रहे हैं अपने घर में। अभी हम BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देखने आए। इस यूनिवर्सिटी का निर्माण 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किया गया। काशी नरेश द्वारा डोनेट की गई जमीन पर यूनिवर्सिटी बनाई गई। इस यूनिवर्सिटी में 30,000 स्टूडेंट्स रह सकते हैं, जिसकी वजह से इसको एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। साइज की अगर बात करें तो 1360 एकड़ में BHU फैला हुआ है। स्टूडेंट्स यहां देश विदेश से आते हैं और हायर एजुकेशन परसू करते हैं। शायद यह दुनिया की अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहां पर नर्सरी प्राइमरी से पोस्ट डॉक्टोरल तक की शिक्षा उपलब्ध है। यहां पर IIT भी है। जब आप BHU आएंगे तो आप श्री विश्वनाथ मंदिर जरूर आइएगा। आप इस मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर से कंफ्यूज ना करें, वो मंदिर बहुत पुराना है। श्री विश्वनाथ मंदिर 1966 में बनकर तैयार हुआ। BHU कैंपस विजिट और टेंपल विजिट आप 2 घंटे में आसानी से कर सकते हैं। जब आप बनारस आएंगे तो आपको सारनाथ जरूर आना चाहिए। ओल्ड सिटी से आप 10 किलोमीटर का सफर करके यहां पर आसानी से आ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए, ये वही जगह है जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। यहां आप भगवान बुद्ध का मंदिर विजिट कर सकते हैं, धमेक स्तूप। यहां म्यूजियम भी है जहां पर आपको अशोक स्तंभ भी देखने को मिलेगा। यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। सारनाथ आने पर आपको अद्भुत शांति का एहसास होगा। बनारस में आज हमारा आखिरी दिन है और लंच में बाटी चोखा। आप देखिए कितने खूबसूरत ढंग से इसको सर्व किया है। सबसे पहले तो मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहता हूँ, पानी को सर्व करने का अंदाज और थाली को सर्व करने का अंदाज इस पलास के पत्ते पर। कुल्हड़ में तो पानी का स्वाद भी मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या बोलेंगे, जबरदस्त। साथ में दाल और चोखा। आपके रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ, चोखा मतलब बैंगन, आलू और टमाटर, ये 3 चीज़ों को मिला के इसको तैयार किया जाता है। सत्तू बाटी, अंदर पनीर की स्टफिंग, बाहर से हार्ड है। मैंने अभी बनते हुए देखा, इसको एकदम ट्रेडिशनल मेथड से कंडे पे तैयार कर रहे थे और इसको अभी थोड़ा एफर्ट लग रहा है, ये खुल गया बाटी। बाहर ये आप जो देख रहे हैं ये आटा है, अंदर सत्तू जिसके अंदर मसाले की स्टफिंग की गई है। ऐसा हम घी डालेंगे और इसको तोड़कर खाएंगे।
क्या बताएं, मतलब इंतहा हो गई टेस्ट की, ऐसा लग रहा है। सबसे पहली बात, जब मैंने आपको बात बताई ना, पानी का स्वाद बढ़ जाता है मिट्टी के बर्तन में, वही फॉर्मूला और वही बात इसमें भी अप्लाई होती है कि इस तरह से कंडे में बनी बाटी और इस तरह से क्या बोलते हैं मिट्टी के बर्तन में बना हुआ ये खाना, सुपर्ब। आपको दिखाने के लिए मैंने सत्तू और मंगरायल मंगा लिया है। सत्तू को आप ध्यान से देखिए, जिसके अंदर स्टफिंग है, गर्मी के लिए तो रामबाण है। भुने हुए चने को पीस के इसको तैयार किया जाता है। साथ में आप जो देख रहे हैं मंगरायल, ये मंगरायल मेरे को याद आ गया, गैंगटॉक में मैंने आलू दम में खाया था, वहां पर इसको काला जीरा बोलते हैं। इसको खाते खाते मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं हिस्ट्री में चला गया हूँ, इतना मजेदार। और सबसे खास बात है, फीलिंग ऐसी रही है मैं एकदम किसी गांव में बैठ के खा रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है। एक तो जिस प्रकार से सर्व किया गया और दूसरा एम्बियंस का फील, कूल। ये है पनीर स्टफिंग वाली बाटी, देखिए आप, इसमें भी थोड़ा घी डालेंगे, क्या बात है। उसका अपना टेस्ट, पनीर स्टफिंग का अपना टेस्ट, क्या बात है। और देखिए आप दाल को कैसे सर्व किया, बाटी चोखा और एक चम्मच दाल का ये महकता हुआ स्वाद, जबरदस्त। हल्का हल्का दाल भी साथ ले सकते हैं, मजा तो है। टमाटर और हरी मिर्च की चटनी, साथ में थोड़ी सी पुदीने की चटनी और इस तरह की स्टफिंग, आज का लंच तो कमाल और धमाल हो गया। इस समय हम कबीर भट्ट, संत कबीर की मूल गादी, कबीर चौरा एरिया में आए हैं। आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको बताता हूँ, बॉलीवुड में जो आप म्यूजिशियंस को फॉलो करते हैं उनमें से मैक्सिमम म्यूजिशियंस के गुरु इसी एरिया में बसते हैं, कबीर चौरा एरिया में। अंदर जाके मैं माथा टेकता हूँ और उसके बाद पता लगाता हूँ यहाँ पर कोई हमें संत कबीर की जिंदगी के बारे में कुछ बता सके। यहाँ आने के बाद मेरे को संत कबीर की साखी याद आ गई, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। मेरे साथ इस समय डॉक्टर हरीश हैं जो हमें संत कबीर के जीवन के बारे में कुछ बताएंगे। ये कबीर साहब का घर है, उनकी साधना स्थली है, उनकी कर्म भूमि है। यहीं पर रहकर कबीर ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था और यहीं पर रहकर उन्होंने लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाया, पाखंड के विरोध में उन्होंने बातें समझाई और भक्ति आंदोलन में बड़े सक्रिय ढंग से सहभागिता की। और यहाँ पर कबीर जब आए उस समय था 1398 ईस्वी और वो 118 साल तक यहाँ रहे और मगहर में जाकर अपना शरीर उन्होंने त्यागा। कबीर प्रेम का पाठ पढ़ाते हुए लोगों को ये कहना चाहते हैं, ये संदेश देते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़ाए सो पंडित होए, साहेब बंदगी। इनकी बात सुनकर मेरे को कबीर साहब की एक और साखी याद आ गई, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाओ, पाओ बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, धन्यवाद सर, थैंक यू। जी धन्यवाद। बनारस और संगीत का सदियों से गहरा रिश्ता है। इस समय हम कला संस्कृति द्वार से अंदर जा रहे हैं। यहां पर कबीर चौरा के 300 मीटर के दायरे में महान संगीतकारों ने जन्म लिया। इस समय हम रोहित मिश्रा से मिलने आए। राहुल रोहित मिश्रा दो भाई हैं जो बनारस घराने को बिलोंग करते हैं। इनके दादा नाना गुरु ने देश विदेश में भारतीय शास्त्रीय संगीत का नाम ऊंचा किया।
घुंघरू की आवाज़ आएगी किसी गली में, कहीं किसी गली में तानपुरा बजता सुनेगा, कहीं तबले की थाप आएगी। और काशी में निरंतर संगीत चला आ रहा है और चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। जब तक काशी में माँ गंगा है तब तक काशी में संगीत है। अगर आपका बनारस आने का प्राइमरी पर्पस सेल्फ एक्सप्लोरेशन है तो क्लासिकल संगीत आपको आपके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। इस तरह से यहां पर आके क्लासिकल संगीत को सुनना बहुत अच्छा लगा। संतत जपत शंभु अविनाशी अशिव भगवान ज्ञान गुण राशि आकर चार जीव जग अयही अकाशी मरत परम पद लही। आज हमारा बनारस में आखिरी दिन है, इस समय शाम के 7 बजे हैं। जाने से पहले मैं विश्वनाथ चाट पे ये दही पूड़ी मिस नहीं करना चाहता था। लास्ट टाइम मैंने गोलगप्पे खाए थे यहाँ पर। आप देखो क्या कितना कुछ है दही पूड़ी में। बनते हुए भी समय देखा, हर पूड़ी जिस तरह से उसमें दही डाल रहे थे, सौंठ डाल रहे थे, खाने की टेम्पटेशन ऐसे बढ़ रही थी कि बस वहीं पे रोके और खा ले। क्या खूबसूरती से टेस्ट डिलीवर किया है, मीठा दही, उसके ऊपर आपका काला नमक और टॉप अप में हरी मिर्च, कितनी खूबसूरती है। लास्ट में वो पापड़ी बना के उसको क्रश करके ऊपर डाल दिया क्रिस्पी रस देने के लिए। व्हाट अ टेस्ट। और सबसे ऊपर नींबू। एक आप सूखा चाट भी बनाते हो ना? सूखा पूरी सर। क्या बोलते हैं उसको? सूखा पूरी बोलते हैं। अच्छा, एक सूखा पूड़ी मेरे को बना दो। अच्छा, ये आइटम बड़ी स्पेशल है। स्पेशल आइटम इसलिए है क्योंकि इसमें ना दही है, ना सौंठ है, ना हरी चटनी है। मैंने भी देखा, मिर्च, जीरा, काला नमक, धनिया और इस तरह की सूखी पूड़ी किसके साथ? नींबू के साथ। तो ये देखने में बड़ा अजब गजब है। मैंने कभी इस तरह से सूखी पूड़ी नहीं खाई, पहली बार। इसके अंदर नींबू ने जो काले नमक के साथ मैजिक किया है वो ही सूखी पूड़ी का पूरा तरह से ड्राइवर है टेस्ट का। वेरी टेस्टी। और ऊपर से धनिया का टॉपअप कमाल है। इससे अच्छा मेरा बनारस का एंड टू द जर्नी क्या होगा कि हम इस तरह से चाट एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। आज हमारा बनारस में आखिरी दिन है, इस समय शाम के 8 बजे। मेरे साथ कुणाल जी हैं और सतीश जी हैं, एक्सपीरियंस वाराणसी से। इन्होंने हेल्प करी हमें ये पूरा वाराणसी टूर को प्लान करने में और उसको एग्जीक्यूट कराने में। थैंक यू वंस अगेन। थैंक्स सतीश जी, बड़े अच्छे ढंग से जितना आपने देखा हमने टूर किया।
सबको प्लानिंग करने में इनका योगदान था। बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमेशा की तरह मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं तो जरूर बताइएगा, आप वाराणसी आए तो आपने क्या क्या किया। दैट्स इट, थैंक्स फॉर योर टाइम। बनारस के बाद आप केरला टूर देखेंगे, ये जर्नी में बहुत एक्साइटमेंट है। हमने अलग अलग रीजन्स में जाकर लोकल फूड एक्सप्लोर किया, काफी सारी साइट सीइंग की, केरला कल्चर को बहुत नजदीक से देखा। गॉड्स ओन कंट्री का सफर बहुत मजेदार है। जल्दी मिलेंगे केरला टूर के साथ। 2019 नए वर्ष की आपको शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम वीजा टू एक्सप्लोर टीम। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय फॉर नाउ। दुकान 17 ईयर्स ओल्ड है और हम लोग काशी इंदौर विश्वविद्यालय के छात्र अक्सर लस्सी पीने पे आया करते हैं। 17 साल पुरानी है। 17 है 70 साल है, 70 बोल रहे हैं।